गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की जो वीडियो है वो अगेन एक वैकेंसी पे। मैंने आपको कल रात में बहुत सारी वैकेंसीज पोस्ट के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी, प्लस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दिया था, तो उसमें भी रिक्वेस्ट आ गया था कि मैम प्लीज़ प्रोवाइड करके बताइए कैसे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, और आपको इस ये जो वेबसाइट है यानी जो मैंने अभी लिंक खोला हुआ है इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस पर जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो विलिस टावर की तरफ से आई हुई है। यहाँ पे आपकी हायरिंग हो रही है एनालिस्ट की। यहाँ पे अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लोकेशन आपका महाराष्ट्र थाने लिखा हुआ है, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट यानी कि आप बीटेक किए हो, एमसीए किए हो या बीसीए किए हो, कुछ भी आपने किया है आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपका ब्रांच भी नहीं बोला गया है, बैच भी नहीं बोला गया, यानी कि आप किसी भी बैच के हो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों चलेंगे। यहाँ पे जो सैलरी है आपके कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी होगी, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। हम देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी नेट स्लो है, धीरे धीरे खुल रहा है, बट अभी ये ओपन ही हो जाएगा। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र हो तो आप न्यू यूज़र से भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो उससे भी कर सकते हो, याहू के अकाउंट है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ गूगल से कर रही हूँ। आपको गूगल से अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पर अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल करने पर आपको इस टाइप का स्टेटमेंट आएगा, आपको यहाँ येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक कर जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जिस ईमेल आईडी से आप चाहें उस आईडी से आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू अपना कर रही हूँ। इसके बाद से यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ भी ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद से आपको यहाँ क्या करना है, पहला यहाँ पे देख सकते हो सीवी अपलोड करना है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। टोटल आपके 8 स्टेप हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेप इसकी लेंदी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, आप चाहें तो लिंक्डइन से अपना डाटा फिल कर सकते हैं, या फिर आप खुद आप सीवी अपलोड करना चाहें तो सीवी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप अपलोड कर रही हूँ, तो अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपने जहाँ भी अपनी फाइल रखी होगी उससे लेके इसे अपलोड कर देंगे। ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद से आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपका कंटिन्यू होगा। तो कुछ इस टाइप का आपका प्रोसेस होगा। सेकेंड जो प्रोसेस है वो आपका क्या है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो जब आप रिज्यूम अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी, आप देख सकते हो। इसमें कुछ आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं चेंज थोड़ा सा कर ले रही हूँ। इसके बाद से यहाँ पर पिन कोड देना है, तो हम यहाँ पिन कोड फिल कर लेंगे, ओके। इसके बाद से आपका एक और एड्रेस है तो आप वो भी फिल कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ स्टेट भरना है, यहाँ पे आपको कंट्री का नाम देना है, यहाँ पे आपको स्टेट देना है, तो यहाँ पे मैं स्टेट चूज़ कर ले रही हूँ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद से आपको यहाँ देख सकते हो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर दे रही हूँ, और आपके पास अगर फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से हटा रही हूँ। इसके बाद से यहाँ पे जितने भी स्टार हैं उनको फिल करना कंपल्सरी है। यहाँ पर आपको देना है सोर्स टाइप, तो सोर्स टाइप में आप यहाँ पर कहाँ से इसके बारे में सुने हो, इस प्रोफाइल के बारे में, वो चीज़ आपको फिल करना है। तो यहाँ पर वो चीज़ दे लिया। इसके बाद वो जॉब बोर्ड में कहाँ पर आपने सुना है, तो यहाँ पर आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। इंडेड सॉल्व, ओके ठीक। इसके बाद से आपको यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू जब करोगे तो आपका ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे। अगर आपका पहले वाले यानी कि जो भी आप स्टेप फिल करें उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग रह जाती है तो आपका आगे कंटिन्यू नहीं होगा। यू मस्ट सेलेक्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज,
ओके, यहाँ पर आपको प्लेस देना है, यहाँ पर कंट्री देना है, तो कंट्री इंडिया। यहाँ पर जो भी चीज़ें वो ऑटो फिल होती हैं तो आपको एक बार इसे ज़रूर चेक करना होगा, क्योंकि ऑटो फिल होती हैं तो कुछ भी आपका यहाँ फिल हो जाएगा। इसके बाद से आपको यहाँ एरिया देना है, तो वो देखते हैं, गोरखपुर दिया है, हाँ गोरखपुर। उसके बाद से फ़ोन नंबर हो गया, बाकी चीज़ हो गई, फिर सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, जो कि आपका जनरल क्वेश्चन होगा। अब जनरल क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन कंट्री, येस, तो यहाँ पे आप येस कर लोगे। इसके बाद से आर यू एज वर्क इन, येस, तो यहाँ पर भी आप येस करोगे, ठीक है। इन दोनों में आप येस करोगे, येस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। सेव एंड कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो होगा आपका फाइल अटैचमेंट, यहाँ पर कुछ फाइल आपको अटैच करने होंगे। तो यहाँ पर पहला है रिज्यूम, तो रिज्यूम हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किया है, यहाँ पे दोबारा कर देते हैं, कहीं ये एरर ना शो कर दे इसलिए, ठीक है। फाइल का नेम डालना है तो आप फाइल का नेम डाल सकते हो। इसके बाद से आपको नीचे आना है, अटैच पर क्लिक करना है, यहाँ पर यस कर दे रही हूँ। उसके बाद से आपको नीचे की तरफ मूव करना है, यहाँ पर फाइल अटैच हो गया। इसके बाद से आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका आई थिंक 4 या 5 स्टेप्स हो चुके हैं, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, फिफ्थ आपका स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, डाइवर्सिटी सर्वे, तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, तो यहाँ पर हम जेंडर चूज़ कर ले रहे हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू पे जब कर लेंगे क्लिक, तो इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो होगा आपका सिक्स्थ, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर आपको लिखना पड़ेगा अपना फुल नेम, यहाँ पर माधुरी मौर्य, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी नेम होगा वो आप यहाँ पर फुल नेम, यहाँ बोला गया है तो आपको फुल नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। आप लोग नॉर्मल जो सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिखते हो वो यहाँ नहीं करना है, आपको यहाँ फुल नेम करना है। इसके बाद से आपका ये रिव्यू है, यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल किए उन्हें आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। उसके बाद से आप अगर कोई एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा और आपको मेल भी आ जाएगा। मेल कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा पहले आ जाता है, जल्दी ही आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा लेट आता है मेल, तो डोंट वेरी, लेकिन मेल जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपका मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया है, और इसकी फर्दर जो भी प्रोसेस होगी आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा अपडेट, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।